दोस्तों आए दिन एयरलाइंस में कभी बदतमीजी तो कभी खाने में कोई ना कोई कमी की वजह से सेलेब्स एयरलाइंस पर भड़कते हुए नजर आ जाते हैं। आपने रेस्टोरेंट वगैरह में जरूर देखा होगा कि शेफ एक कपड़े की कैप पहनकर खाना बनाते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि आखिर वो कैप क्यों पहनते हैं? तो हम आपको बता देते हैं कि कैप इसलिए पहनी जाती है ताकि खाने में कोई बाल ना चला जाए। ये तो रही आंखों देखी बात, पर अगर कोई शेफ अंदर किचन में खाना बना रहा हो, उसने कैप ना पहनी हो और खाने में बाल आ जाए तो सोचिए कितना बुरा लगता है। ऐसा एक मामला सामने आया है टीएमसी सांसद और एक्ट्रेस मिमी चक्रवर्ती के साथ। दरअसल मिमी चक्रवर्ती फ्लाइट में ट्रेवल कर रही थी और तभी उनके खाने में कुछ ऐसा निकला जिसके बाद एक्ट्रेस का गुस्सा भड़क गया है। दरअसल मिमी चक्रवर्ती ने खुद के लिए एक क्रेम ब्रूले और क्रोसा फ्लाइट में ऑर्डर किया। वो क्रोसा खा रही थी कि तभी उनके मुंह में बाल आ गया। उन्होंने निकाला, प्लेट में रखा और फिर फोन से फोटोज को क्लिक किया। सोचकर भी मन अजीब हो गया। सोचिए मिमी चक्रवर्ती का क्या हाल हुआ होगा। जी हाँ दोस्तों, मिमी चक्रवर्ती फ्लाइट में ट्रैवल कर रही थी और उसी दौरान जब उन्होंने खाना मंगाया तो उनके खाने में बाल आ गया, जिसकी फोटोज को सोशल मीडिया पर मिमी चक्रवर्ती ने शेयर किया है। फोटोज में आप देख सकते हैं प्लेट्स में खाना रखा है और प्लेट में इतना बड़ा बाल नजर आ रहा है। ये सब कुछ हुआ है मिमी चक्रवर्ती के साथ और इस पूरी घटना के बारे में फोटोज के साथ फैंस को पूरी जानकारी दी है मिमी चक्रवर्ती ने। मिमी चक्रवर्ती ने फ्लाइट को टैग करते हुए कंप्लेंट लिखी। ट्विटर पर मिमी चक्रवर्ती ने फोटोज को शेयर किया। प्लेट में बाल साफ नजर आ रहा है। मिमी चक्रवर्ती ने लिखा कि मुझे लगता है कि आप लोग बहुत बड़े हो गए हैं, क्योंकि अब आप चीजों को इग्नोर जो करने लगे हैं। जो लोग आपके साथ ट्रैवल करते हैं कम से कम उनका ध्यान तो रखिए। खाने में बाल निकला है और ये कोई अच्छी बात नहीं। मैंने ईमेल किया आपको और आपकी टीम को, पर मुझे कोई रिप्लाई नहीं मिला, ना ही भरपाई की गई। इसके साथ ही ईमेल को इग्नोर कर दिया गया। मेरे से माफी तक नहीं मांगी गई। मैं जो क्रोसा खा रही थी उसमें से ये बाल निकला, आप देख सकते हो। फोटो शेयर की है सोशल मीडिया पर। देखते ही देखते मिमी चक्रवर्ती की ये फोटोज वायरल हो गई। मिमी चक्रवर्ती के इस ईमेल का जवाब एयरलाइन कंपनी ने दिया। उन्होंने लिखा कि हेलो, मुझे सुनकर खराब लग रहा है। इस ऑनलाइन फॉर्म को भरकर आप प्रक्रिया को पूरा करें, अपना फीडबैक दें। हमारी कस्टमर रिलेशन टीम इसका रिव्यू करेगी और आपको ईमेल पर परेशानी का जवाब भी देगी। अगर आपको कोई और प्रॉब्लम आई हो तो हमें डायरेक्ट मैसेज करें, थैंक यू। इसी बीच मिमी चक्रवर्ती के ट्वीट से हंगामा मच गया। यूजर्स उल्टा एक्ट्रेस की ही चुटकी लेने लगे। एक यूजर ने मिमी चक्रवर्ती को लिखा कि आखिर इतनी बड़ी बात क्या हो गई जो इतना ज्यादा हल्ला मचा दिया। कई बार हमारे घर पर भी ऐसा हो जाता है, खाने में बाल निकल आता है, प्लेट बदलवा लेते हैं तो क्या हो गया। एक यूजर ने लिखा कि मैं तो रोड साइड कचौड़ी खा रहा था, उसमें बाल निकल गया। उन्होंने मुझे कहा कि इसे कूड़े में फेंक दो, मैंने फेंक दिया। उन्होंने मुझे नई प्लेट दे दी और मैं भी खुश हो गया। आखिर इतनी बड़ी स्टोरी क्या है? आपको बता दें मिमी चक्रवर्ती बंगाली सिनेमा की बहुत बड़ी एक्ट्रेस है और सोशल मीडिया पर अच्छी खासी फैन फॉलोइंग रखती है। मिमी चक्रवर्ती ने जब इस पोस्ट को शेयर किया तो ऐसे में कुछ लोग वो थे जो उन्हें सपोर्ट कर रहे थे और कुछ लोग वो थे जो मिमी चक्रवर्ती को ट्रोल कर रहे थे। मिमी चक्रवर्ती ने एयरलाइन की जिस तरीके से शिकायत की उस पर क्या है आपकी राय, जल्दी से हमारे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। अगर आपने फिल्म बीट को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसे भी लाइक कीजिए। बॉलीवुड टीवी से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए फिल्म बीट।